भाई अम्बानी नहीं हूँ मैं, जियो की स्पीड कैसे बढ़ा दूँ। हेलो गाइस, इट्स चार्ली हेयर एंड वेलकम बैक टू रूल मेकर अगेन। और दोस्तों, आज बहुत खास दिन है। जैसे कि आज इस चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर जो है हो चुका है। अब लग रहा है कि फैमिली ग्रो कर रहा है, हम लोगों का चैनल बढ़ रहा है। अभी 5 दिन पहले ही 10,000 सब्सक्राइबर हुआ था। तब मैंने एक चैनल के साथ कॉन्टेक्ट करके गिव अवे रखा था HP Stream 14 लैपटॉप का। अभी 5 दिन भी नहीं हुआ, गिव अवे का टाइम था 10 दिन, मतलब 10 दिन बाद गिव अवे रिजल्ट होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि 10 दिन अंदर 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन में ही हो गया 20,000 सब्सक्राइबर। आज सुबह शायद मैंने देखा तब 20,100 सब्सक्राइबर था। तो चलो, अच्छा लग रहा है बहुत कि सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, इतना जल्दी बढ़ रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, आज एक और वीडियो आएगा। उस वीडियो में मैं बोलने वाला हूँ कि अपने डिलीटेड फाइल्स, परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स कैसे रिकवर कर सकते हैं। चाहे वो पीसी में हो, स्मार्टफोन में हो, कहीं पे भी हो, किसी मेमोरी कार्ड में हो, किसी भी पेन ड्राइव में हो। आप अगर कुछ फाइल डिलीट कर चुके हैं, उससे कैसे वापस पा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं, पूरा स्टोरेज सिस्टम कैसे काम करता है। आप कोई फाइल सेव करते हैं तो कैसे सेव होता है, कैसे आप उसे एक्सेस करते हैं। हार्ड डिस्क में हो, पेन ड्राइव में हो, मेमोरी कार्ड में हो, जहाँ भी हो, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए कि सिस्टम स्टोरेज सिस्टम कैसे चलता है, कैसे एक्सेस होता है और कैसे आप डिलीटेड फाइल्स वापस पा सकते हैं। तो वीडियो कुछ देर बाद आने वाला है, लेकिन अभी 20,000 सब्सक्राइबर हो चुका है तो मैंने सोचा चलो आपसे कुछ बात कर लेते हैं और आपके ही पूछे हुए कुछ सवालों का आंसर देने वाला हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा पूछे हुए कुछ सवालों का। ऐसे तो सबका आंसर नहीं दे सकता एक साथ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछे हुए कुछ सवालों का आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों में से, सर्दी लग गया है मुझे, बहुत ठंड है। सबसे ज़्यादा आप लोग जो पूछते हैं मुझसे वो है भाई सैमसंग गैलेक्सी J2, J5, J7 कैसे रूट करें। चाहे वो 2016 का नया एडिशन हो या पुराना एडिशन हो, कैसे रूट करें। तो पहली बात, मेरे पास J7, J2, J5 नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है आप समझ जाएंगे। क्योंकि मुझे सैमसंग का फ़ोन अच्छा नहीं लगता। एस सीरीज़ और ए सीरीज़, जैसे ए सीरीज़ का S6, S7 थोड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ए सीरीज़ का A7, A8 अच्छा है, लेकिन बाकी सारा फ़ोन उतना अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं बोल रहा हूँ सैमसंग J2, J5, J7 कैसे रूट करते हैं। तो सैमसंग J7, J5, J2 रूट करने के लिए आप कुछ फाइल्स आपको चाहिए होगा। जैसे कि पहला आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ओडिन। सेकेंड, TWRP फाइल आपके फ़ोन के लिए। थर्ड जो है super.su.zip फाइल। और फोर्थ जो है सैमसंग कीज, यानी कि सैमसंग का ड्राइवर पीसी के लिए। ये चारों चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है XDA साइट डेवलपर का, एक वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। J2 के लिए भी, J5 के लिए भी और J7 के लिए भी। तो सबसे पहले बात, ये तीनों फोन से रूट नहीं होता, आपको पीसी चाहिए होगा किसी तरह से। मतलब अगर आप किसी कहाँ पर देखे होंगे कि फ़ोन से रूट होता, तो नहीं होता, ये फेक होगा शायद। मुझे तो नहीं पता कि फ़ोन से रूट होता होगा, पीसी से ही होगा। तो नीचे जाके वेबसाइट में वो चारों चीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए, चारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और पहला चीज़ ओडिन जो है, ओडिन, सैमसंग कीज और TWRP, ये तीनों फाइल को अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे रखें। और super.su.zip फाइल जो है वो अपने स्मार्टफोन के इंटरनल स्टोरेज पे रखें, ठीक है। अब पहला काम आपको ये करना है कि सैमसंग कीज, यानी कि सैमसंग का ड्राइवर पीसी के लिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। जब ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तब उसके बाद ओडिन जो एप्लीकेशन है, ओडिन को इंस्टॉल कीजिए। ओडिन इंस्टॉल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपके फ़ोन को बूट मोड में ले जाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन जब ऑन रहेगा तभी पावर की, वॉल्यूम डाउन की एंड जो होम बटन होता है, वो तीनों की एक साथ प्रेस करके रखिए। तो कुछ देर बाद एक साइन आएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, फिर ग्रीन टाइप का स्क्रीन आएगा, वहाँ पर लिखा होगा वार्निंग। तब वॉल्यूम आप बटन प्रेस कीजिए तो वो बूट मोड में चला जाएगा, ठीक है। आप ओडिन खोलिए। ओडिन खोल के TWRP फाइल को मतलब एंटर कीजिए, वहाँ पे AP नाम का एक कुछ बटन होगा, AP में क्लिक कीजिए और TWRP बटन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट जब हो जाएगा तब आप डाटा केबल से फ़ोन को कनेक्ट कीजिए। J2, J5, J7 जो भी है, डाटा केबल से फ़ोन को कनेक्ट कीजिए और स्टार्ट में क्लिक कर दीजिए। तो जो है TWRP आपके फ़ोन में फ्लैश हो जाएगा। अब फ़ोन को ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा, कुछ भी करिए। फिर फ़ोन को रिकवरी मोड में डालना होगा, सेम प्रोसेस, वही पावर की, वॉल्यूम डाउन की एंड होम बटन प्रेस करके रिकवरी मोड में जाइए तो TWRP रिकवरी मोड आ जाएगा। वहां पे सबसे ऊपर बाएं वाला कॉर्नर में लिखा होगा इंस्टॉल, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा फोन का। तो उसमें से आपको super.su.zip जो है चूज करना है, चूज कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। मतलब थोड़ा सा लोडिंग होगा, फ्लैश हो जाएगा और आपका फोन रूट हो गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा वीडियो ट्यूटोरियल का कि कैसे इसको करते हैं। अगर मुझे मिले तो XDA में शायद होगा, मैं लिंक डाल दूंगा। और एक बात, ये रूट करने के लिए या फिर कस्टम रोम डालने के लिए XDA सबसे बेस्ट साइट है, सबसे रिलायबल, मतलब भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई भी दूसरे साइट से, मैं तो बोलूंगा कोई अलग किसी साइट से रोम या फिर रूटेड फाइल डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि अगर वो स्टेबल ना हो या फिर ठीक तरह से बना ना हो तो आपका फोन ब्रेक कर सकता है। तो अगर कुछ आपको ऐसा इरादा है तो XDA से ही डाउनलोड कीजिए। सेकंड जो है, भाई फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट करें या फिर फ्री में ऐप कैसे क्रिएट करें। ऐप क्रिएट करने का एक प्रोसेस मैंने बताया है, और भी बहुत सारा वेबसाइट्स है। अगर कुछ वेबसाइट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब लिंक दे दूंगा। और वेबसाइट बोलते हैं कैसे बनाते हैं। फ्री वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारा वेबसाइट होता है, मतलब एक वेबसाइट ही वेबसाइट बनाता है। जैसे कि सबसे सिंपल है ब्लॉगर, गूगल का ब्लॉगर, या फिर wapka.com, wix.com, webly.com। तो पहले आते हैं ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे अगर आप वेबसाइट खोलने जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक गूगल अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आपके पास पहले से ही है। आप यूट्यूब देख रहे हैं या फिर प्ले स्टोर एंड्रॉइड फोन यूजर है तो गूगल अकाउंट होगा ही। तो आपने किसी भी ब्राउजर पे जाइए, मैं सजेस्ट करूंगा क्रोम पे, या फिर अगर आपके पास पीसी है तो फायरफॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पे ब्लॉगर खोलिए, blogger.com या फिर google.com पे जाके भी ब्लॉगर सर्च कर सकते हैं, फिर ब्लॉगर आएगा। वहाँ पे आपको ऊपर में राइट साइड में साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, साइन इन कीजिए, क्रिएट न्यू वेबसाइट में क्लिक करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आपको कोई वेबसाइट का नेम जो है चूज करने को बोलेगा। ठीक है, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो आपका जो सवाल होगा मैं आंसर देने वाला हूँ, ये अभी आंसर ही होगा। कुछ देर बाद मैं वीडियो ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ इन सब का। तो साइन इन कीजिएगा, साइन इन करने के बाद वेबसाइट का नेम चूज करने को बोलेगा। आप कोई भी नाम चूज करें, ऐसा कोई नाम जो कि पहले से ब्लॉगर में कोई वेबसाइट ना हो, क्योंकि एक वेबसाइट का, एक नेम का दो वेबसाइट नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी नेम चूज कीजिए, XYZ या फिर समथिंग कुछ भी। तो वेबसाइट का नाम होगा, आप जो नाम देंगे उसके बाद .blogspot.com ऐसा कुछ नाम होगा, xyz.blogspot.com। अब जब वेबसाइट मतलब तैयार हो गया तो आपको वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पेज, क्रिएट पोस्ट, अपलोड इमेज। आप अपने हिसाब से वहाँ पे बना सकते हैं। वापका में भी सेम होता है, इसमें गूगल अकाउंट लगता है, वापका का अकाउंट लगता है, ईमेल देके अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर आप वेबसाइट बनाने के सोच रहे हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो पहला एक चीज जो आपको करना है, एक पेज में या फिर कोई भी बुक लीजिए या फिर एक सफेद पेज में पहले वेबसाइट का डायग्राम लिखिए वहाँ पे कि क्या करना है, कहाँ पे आपका लोगो होगा या फिर पेज क्या होगा, सब कुछ लिखिए। ठीक है, उसके बाद उस पेज के अंदर क्या होगा वो नेक्स्ट पेज में लिखिए जाइए। तो जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो पहले उसी हिसाब से कीजिए, सबसे अब फुल कस्टमाइज। तो ऊपर में आपको लोगो अपलोड कर दीजिए, नीचे पेज वगैरह सब करिए। अगर आपके पास एक रफ वर्क होगा, कोई पेज में लिखा हुआ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा तरीके से बना सकते हैं। लेकिन पैनिक मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, मैं इसका वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे फ्री में वेबसाइट बनाते हैं और कैसे डोमेन वोमेन भी खरीदते हैं, .com, .in सब कुछ का एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कुछ देर बाद, क्योंकि वेबसाइट मेकिंग का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। थर्ड जो क्वेश्चन था वो है, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया भाई, रिकवर कैसे करूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है और आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर फॉरगॉट पासवर्ड करके भी उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फेसबुक ऑफिशियली एक चांस देता है इन लोगों के लिए। तो वहाँ पे एक वेबसाइट आपको खोलना होगा, facebook.com/hacked HACKED हैक्ड वेबसाइट खोलिए। वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर या फिर अपना यूज़र नेम कुछ भी डालिए ताकि आपका अकाउंट आइडेंटिफाई हो। आइडेंटिफाई हो जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, माय अकाउंट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर ऐसा कुछ, उसमें क्लिक कीजिए। तो फेसबुक आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म में आपके अकाउंट के कुछ डिटेल्स वो मांगेंगे कि वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है ना कि आपका ये अकाउंट था पहले, इसलिए कुछ डिटेल्स वो लोग चाहेंगे। तो वो डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। कुछ देर बाद फेसबुक आपको वापस कॉन्टैक्ट करेगा और आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, अगर वो अकाउंट आपका ही हो और आप ठीक तरह से फॉर्म फिलअप किए हो तो। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रो आपका चैनल इतना फास्ट ग्रो कैसे कर रहा है, कुछ टिप्स हमें भी दे दो या फिर ऐसा कुछ बहुत सारा सवाल आता है। तो भाई मुझे नहीं पता कि मेरा चैनल किस लिए ग्रो कर रहा है, शायद आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोग देखते हैं, ये तो पता ही आप लोग कितना प्यार करते हैं मुझे। रात के 2 बजे वीडियो अपलोड किया था, 460 व्यूज थी 7 मिनट में, तो पता ही है मुझे। तो अगर आप चाहते हैं आपका चैनल ग्रो करे, तो देखिए मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तभी बना नहीं कि आप मुझे मैं किसी को टिप्स दे सकूं, अभी तो बड़ा बड़ा नहीं हूँ इतना। तो फिर भी कुछ टिप्स मतलब कुछ कह सकता हूँ आपके लिए कि जो मैं मानता हूँ। अगर आपको मतलब आपका चैनल ग्रो कराना है तो पहले सबसे काम एक शेड्यूल फिक्स कीजिए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि मैं डेली यूट्यूबर हूँ, हर रोज एक वीडियो अपलोड आएगा, तो हर रोज कीजिए। अगर आप मंथली करेंगे तो मंथली में एक, या फिर वीकली एक, या फिर वीकली टू, या फिर किसी डेज को जैसे संडेज और सैटरडेज को आएगा, संडेज या वेडनेसडेज को। एक रूटीन फिक्स कीजिए कि इसी डेज में मुझे वीडियो अपलोड करना है तो करना ही है, ठीक है। उसी रूटीन में वीडियो अपलोड करते जाइए ताकि आपके व्यूअर्स को भी पता हो कि ये बंदा कब वीडियो अपलोड करता है, उन लोगों को वेट ना कर पड़, मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक टाइम पे वीडियो मिल जाए। और अगर आप डेली यूट्यूबर हैं तो कोशिश करें, डेली यूट्यूबर बनना भाई बहुत मुश्किल होता है मुझे पता है, क्योंकि हर रोज वीडियो अपलोड करना, कोई ना कोई दिन तो कुछ किसी भी काम इमरजेंसी आ ही जाएगा। जैसे टेक्निकल गुरुजी करते हैं डेली वीडियो, मुझे पता नहीं वो कैसे मैनेज करते होंगे, टफ है। तो आप डेली यूट्यूबर भी हो सकते हैं, डेली वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हाँ, उसमें अगर 1-2 दिन छूट जाए बीच में तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा हर रोज वीडियो अपलोड करने का। सेकंड जो है, आपने व्यूअर्स के साथ कभी धोखा मत दीजिए, मतलब टाइटल कुछ और, थंबनेल कुछ और, वीडियो का कंटेंट कुछ और, ऐसा मत कीजिएगा। उन लोगों का मतलब उनके वजह से ये आप हैं, आप अगर यूट्यूबर हैं तो आपकी व्यूअर्स की वजह से ही है। आप उनसे धोखा कीजिएगा तो कैसे चलेगा, उनको रेस्पेक्ट करना सीखिए। और चैनल जो आप पहला ठीक कर लीजिए कि आप चैनल को किस लैंग्वेज में बनाएंगे, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी आप उसी में कीजिए, बीच में चेंज मत कीजिएगा कि हिंदी में बनाया चैनल ग्रो कर गया फिर इंग्लिश कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, धोखा मत कीजिएगा कभी। और हाँ, पहले से चैनल थोड़ा ग्रो करके आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर भागेंगे कि कैसे स्पॉन्सरशिप मिले, कैसे रिव्यू नीट मिले, फिर 19-22 रिव्यू या फिर पेड रिव्यू करना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। चैनल ग्रो कर जाए, आप स्पॉन्सरशिप ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप मत लीजिएगा जैसे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप में वो लोग बोलते हैं कि भाई इसके बारे में अच्छा ही बोलना है, बुरा नहीं बोलना है, ऐसा मत कीजिए। आप व्यूअर्स की वजह से सब कुछ है, व्यूअर्स को रेस्पेक्ट कीजिए, उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए, उनको गुमराह मत कीजिएगा। और अगर हो सके तो किसी चैनल से कोलाब करें, ज्वाइन करें, ताकि चैनल अच्छा बढ़े। और अपने वीडियो को शेयर करते रहिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि वो लोग देखें। और आपके चैनल का बैनर, लोगो, इंट्रो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाइए, एक टेलर बनाइए ताकि आपके चैनल में कोई नया यूज़र आए तो उसे पता चले कि आपका चैनल किस बारे में है, किसके लिए है, या फिर ऐसा कुछ। और क्या कह सकते हैं, ऐसा ही कीजिए चैनल ग्रो करने के लिए। उसके बाद है भाई, हम लोग क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से फ्री प्रोडक्ट पा सकते हैं इंडिया में? तो ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं कुछ कुछ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब अगर आप अमेजोन एफिलिएट में affiliate.amazon.com में जाके रजिस्टर करते हैं, या फिर affiliate.flipkart.com पे, या स्नैपडील, हर साइट का होता है, पेटीएम, सब कुछ का होता है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करते हैं, तो आप वहाँ पे आप एज ए क्रिएटर उन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लीजिए, मान लीजिए एक फोन, मान लीजिए रेडमी नोट 3 एक फ़ोन चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर रेडमी नोट 3 का आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो लिंक आप शेयर करते रहिए। तो अगर उस लिंक से किसी ने खरीदा वो फ़ोन, तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बड़ा प्राइस मिलेगा। मतलब फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में उतना ज़्यादा नहीं मिलता, 5-6% मिलता है, लेकिन फैशन एक्सेसरीज में बहुत ज़्यादा 50% तक मिल सकता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने लिंक शेयर किया, किसी ने 10,000 में खरीदा, आपको 5,000 रुपये ऐसे ही मिल गया, ऐसा होता है। और फ्री प्रोडक्ट जो बोल रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर होता है। बहुत सारे वेबसाइट होता है जहाँ पे जाके आप amazon.com में .in पे नहीं, amazon.com में जो प्रोडक्ट है उनके रिव्यू दे सकते हैं, रिव्यू देने के लिए दे सकते हैं। अब अगर कोई रिव्यू आप दें तो वो लोग आपको फ्री प्रोडक्ट सेंड करते हैं बहुत सारे रिव्यू के बाद, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। amazon.in के लिए ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। amazon.com पे भी जब आप जाएँ तो इंडिया के लिए प्रोडक्ट देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा है। और गियर वेस्ट का एक वीडियो बनाया देख ले। उसके बाद जो सवाल आता है कि भाई जियो का स्पीड बढ़ा दो, भाई अम्बानी नहीं हूँ मैं, जियो की स्पीड कैसे बढ़ा दूँ। हाँ, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, मुझे पता है कि जियो का स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, APN, VPN, बहुत सारा कुछ चेंज करके, डाउनलोड करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सच्ची में ऐसा कुछ नहीं होता। जियो का स्पीड उतना नहीं बढ़ सकता। एक ट्रिक है, थोड़ा सा हो सकता है बढ़ सकता है, आप ट्राई कीजिए। सेटिंग्स पे जाइए, मोबाइल नेटवर्क पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जियो नेट, जियो जो भी है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मिलेगा बहुत सारा। वहाँ पे जो आपको सिलेक्ट है, शायद जियो नेट ही सिलेक्ट है, उसमें क्लिक कीजिए, एडिट में जाइए, अगर आपके फोन में एडिट का ऑप्शन है, अगर नहीं है तो जस्ट क्लिक करने से ही आपको एडिट हो जाएगा। वहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा या फिर कुछ ऑप्शन मिलेगा APN करके, APN में लिखा होगा पहले से जियो नेट, JIONET, उसको चेंज करके google.com कर दीजिए, ठीक है। और नीचे होगा IPv4 या 6 होगा, उसको बोथ सिलेक्ट कर दीजिए, IPv4 और 6 दोनों, बोथ में काम करे ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए। तो हो सकता है आपका स्पीड बढ़े, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा, ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है TalkTo का सॉल्यूशन, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था TalkTo के बारे में, जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ किया था और बोला था कि TalkTo काम नहीं कर रहा है, फेक वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, TalkTo मैं पहले से यूज़ करता हूँ, बहुत दिन पहले से यूज़ करता हूँ मैं, इसलिए तब TalkTo फ्री था, तब नहीं अभी 3-4 दिन पहले तक TalkTo फ्री था, ठीक है। अब नया अपडेट दिया, उसके बाद पेड कर दिया, पैसा देंगे आप तो ही आपको नंबर मिलेगा, ऐसा पहले नहीं था, 3-4 दिन पहले नहीं था ऐसा, 3-4 दिन नहीं, 6-7 दिन पहले ऐसा नहीं था। तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाया था, अब 3-6-7 दिन पहले अपडेट दिया था, ये मुझे नहीं पता, मैंने अपडेट किया भी नहीं था। वैसे मैं TalkTo का क्या करूँ, मुझे नंबर मिल गया, अब एप्लीकेशन लेके क्या करूँ, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया था। तो वीडियो जब बनाया उसके बाद देखा कि पेड कर दिया, अब क्या करें। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन मिलता है प्ले स्टोर में, डिंगटोन, टेलो, फ्री टोन, फिर बहुत सारा कुछ, अगर आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप उसको भी नहीं हो रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूंगा वेबसाइट का, जहाँ पे आपको ऑलरेडी बिल्ट इन डिस्पोजेबल नंबर मिल जाएगा किसी भी कंट्री का, जाइए चेक कीजिए, नंबर लीजिए, अकाउंट बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग कहते हैं, भाई लाइव सीजन कब स्टार्ट करोगे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन शुरू कर दो। हाँ, ये मैं भी ये सोच रहा था कि एग्जाम तो मेरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब लाइव सीजन शुरू करूँगा, लेकिन किस दिन शुरू करूँ, शनिवार नहीं, संडे, किसी यूनिक दिन चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता है आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे देखते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ मुझे देखते हैं, बहुत सारा और भी चैनल देखते होंगे, तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि जिस दिन में कोई लाइव सीजन नहीं, जैसे शर्मा जी टेक्निकल शनिवार को करते हैं लाइव सीजन, आप शायद उनको भी देखते होंगे, तो एक ही दिन में अगर मैं करूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा वो पॉपुलर है, आप उन्हीं को ही देखेंगे, शायद मुझे नहीं देखेंगे, फिर भी ऐसा दिन में नहीं करना चाहिए, किसी यूनिक दिन मतलब डेज में सोचता हूँ, कुछ देर बाद ही बता दूंगा। और लाइव सीजन आएगा हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो जरूर होगा। उसके बाद है, भाई फोन कैसे अपग्रेड करें, 100% कैसे अपग्रेड करें, अपग्रेड करना क्या ठीक है या नहीं। तो दोस्तों अगर सच्ची में देखें तो अपग्रेड करना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए आपका फोन, मान लीजिए लॉलीपॉप में आता है, तो आपका फोन का पूरा सिस्टम, हार्डवेयर जो भी हो लॉलीपॉप के लिए ही बना है, ठीक है। उससे आप मार्शमैलो अपग्रेड करिएगा तो चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने सिस्टम अपग्रेड किया है और आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बैटरी इशू या बोले ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एक ना एक प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप अपग्रेड किए हैं, आपको बहुत सारा नया फीचर्स मिला है और एक प्रॉब्लम है, तो मतलब करेंगे ही करेंगे भाई, इतना ज़्यादा फीचर्स मिला है, एक प्रॉब्लम चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। और अपडेट करने का एक प्रोसेस बता रहे हो, अगर आप कस्टम रोम्स डाउनलोड करें तो किसी जेन्युइन वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, ठीक है, जैसे कि XDA की साइट, वहाँ पे मतलब वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वो फेक नहीं होता, और वहाँ पे स्टेबल रोम्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए। और अगर कोई अच्छा चैनल, कोई पॉपुलर चैनल ने वीडियो बनाया है कस्टम रोम्स के बारे में, वीडियो में आप देखेंगे हाँ ठीक तरह से चल रहा है तो ही डाउनलोड कीजिए, वरना कुछ अलग अलग साइट से मत डाउनलोड कीजिए, फ़ोन ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद जो सवाल बहुत लोग पूछते हैं, भाई मुझे एथिकल हैकर बनना है, मुझे हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, क्या करूं, क्या आप मुझे सिखाएंगे, ऐसा सवाल। तो मैं तो वीडियो लाता रहता हूं, आप पर्सनली आपको कैसे सिखाऊं मैं, ये तो नहीं हो सकता, बहुत ठंड लगी है, ये तो नहीं हो सकता। अगर आपको एथिकल हैकर बनना है, सच्ची में हैकिंग का इंटरेस्ट है, तो भाई अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे गूगल, यूट्यूब या फिर बहुत सारे वेबसाइट में देख के सीख जाएंगे, जैसे मैंने सीखा है। कोशिश करते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार धीरे धीरे ठीक सीख जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप जल्दी हैकर बनना चाहते हैं, तो पहले जो आपको काम करना है, आप कुछ कोडिंग का काम सीख लिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से, जैसे जावा, C++, लिनक्स, इन लोगों का। और उसके बाद आप एथिकल हैकिंग का कोई कोर्स भी कर सकते हैं, 5-6 महीने का भी काफ़ी होगा, कर सकते हैं तो आप ऐसे कलाकार बन जाएंगे। और अगर टाइम हो तो आप ऐसे बन जाएंगे, अगर आपको इंटरेस्ट हो इस चीज़ में। और उसके बाद जो ज़्यादा पूछते हैं, भाई इंट्रो वीडियो, आपका इंट्रो वीडियो मस्त है भाई, कहाँ से बनाया, मैं कैसे बनाऊँ, मुझे आप एक बना देंगे, ऐसा कुछ। तो मेरा जो इंट्रो वीडियो है वो मैंने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से बनाया था, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा था उस इंट्रो वीडियो में। और आप अगर बनाना चाहते हैं और आपको एडिटिंग का इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है, तो अगर आपके पास पीसी है तो आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन होगा औरा 3D एनिमेशन मेकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कितना लिंक हो गया डिस्क्रिप्शन में, बहुत ज़्यादा लिंक हो जाएगा, फिर भी मैं डाल दूंगा। औरा 3D एनिमेशन मेकर में क्या होता है, ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट आपको मिलता है, बहुत सारा टेम्पलेट होता है, सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पर, या फिर लोगो ऐड करना है जो आपको इंट्रो में चाहिए। बाकी सारा मूवमेंट जो भी है एनिमेशन वो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। और अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल में लेजेंड ऐप ट्राई कर सकते हैं। लेजेंड में भी बहुत अच्छा इंट्रो होता है, उसमें शायद साउंड नहीं आता, और वैसे भी एनिमेशन मेकर में साउंड भी आता है, साउंड आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अगर आपको नॉलेज अच्छा हो तो आप कैमटेसिया में भी बना सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी बना सकते हैं। अगर नॉलेज अच्छा तो आप, मैं क्या बताऊँ, कोई भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि औरा 3D एनिमेशन मेकर या लेजेंड में भी जो बना हुआ टेम्पलेट है वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप सिंपली गूगल में जाइए और सर्च कीजिए यूट्यूब इंट्रो टेम्पलेट, ऐसा कुछ, वहाँ पे बहुत सारा लिंक आएगा, कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए। अब वो लोग जो टेम्पलेट देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट या कैमटेसिया के लिए देते हैं, काइन मास्टर के लिए कि मोबाइल में भी बहुत सारा मिलता है। तो टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए, एडिट कीजिए, सेव कीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही डाउनलोड किया रहे हैं, उस वेबसाइट में किसी और ने भी डाउनलोड किया होगा, शायद उसका भी इंट्रो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यूनिक नहीं होगा कुछ आपका, आप खुद ही बनाए तो ये अच्छा होगा। उसके बाद भाई आपकी इनकम कितना है, कितना पैसा छाप लेते हो यूट्यूब से, इनकम ही ज़्यादा। तो दोस्तों इनकम ऐसे क्या बोलूँ, यूट्यूब से अभी तक मेरा इनकम है डब्बा $0, क्योंकि देख लीजिए यूट्यूब मंथली पेमेंट करता है, ठीक है, मंथ के बीच में पेमेंट करता है, 15 से 20 तारीख के बीच में। मेरा चैनल अभी तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरा चैनल जो सच्ची मायने में जब ग्रो कर रहा है वो 15 डेज से, मतलब 15 या 17 दिन से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तभी से मेरा इनकम जो है आ रहा है। तो अभी पैसा आना मेरे पास 1 महीना नहीं हुआ है, हालांकि 20,000 सब्सक्राइबर हो चुका है, लेकिन 1 महीना नहीं हुआ, इसलिए मुझे पेमेंट नहीं मिला है अभी तक। शायद 21 दिसंबर तक मिलेगा, शायद, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी पेमेंट नहीं आया है। मेरा इनकम अभी भी यूट्यूब से जीरो है। और भाई वीडियो क्वालिटी थोड़ा अपग्रेड कर दो, ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ा अपग्रेड कर दो, या फिर आप वीडियो आप कैसे बनाते हो, इन सब के बारे में आप लोग पूछते हैं मुझसे। तो वीडियो मैं कैसे बनाता हूँ, मेरे पास एक फूजी का SLR है, फूजीफिल्म का SLR है, और एक निकॉन कुलपिक्स छोटा सा कैमरा है, निकॉन कुलपिक्स का डिजिटल कैमरा, और फ़ोन है 2-3। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं से वीडियो बनाता हूँ। फूजी का जो पंखा है उसमें एक्सटर्नल माइक का पोर्ट नहीं है, और उसका बिल्ट इन जो माइक है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो अगर फूजी में मैं शूटिंग करूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, अपने फ़ोन से या किसी और डिवाइस से वॉइस अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, वीडियो अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर पैच करना पड़ता है, इसलिए नहीं करता। फूजी का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होता ऐसे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे ही करता हूँ, Redmi Note 3 या फिर ऐसा Zenfone 2 से करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। और एक ट्राईपॉड है सिम्प्लेक्स, मॉडल नंबर मुझे पता नहीं, अभी यहाँ पर लगा हुआ है ट्राईपॉड, ट्राईपॉड से करता हूँ। एक सेल्फी स्टिक है जो भाग गई थी, अभी मिल गई, वापस आ गई है। एक लाइट है, खरीदा है, सनगन, ऐसे एलुमिनियम फॉइल का, शायद 500 या 600 रुपये, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर है लाइट का, मैं देख ही नहीं पाता। लाइट अगर जले तो मैं सामने कुछ नहीं देख पाता, ऐसा कुछ है, एक्सेसरी वगैरह एक, और कुछ नहीं है। और वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अपग्रेड करने का, हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ DSLR खरीदने का, एक कैनन का 700D या 70D, पेमेंट आ जाए उसके बाद खरीदूँगा। और एक माइक रोड का, और कुछ नहीं। और स्टूडियो एक मेरा बन रहा है मेरे घर पे, मैं अभी घर पे हूँ, असनसोल से आ चुका हूँ, घर पे ही मेरा एक स्टूडियो बन रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल खोलने से पहले ही बन रहा है, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं सोच रहा था कि स्टूडियो बनाऊँ अपना खुद का, इसलिए बन रहा है। छोटा सा एक रूम है, 8 बाई 12 फुट का, तो यहीं पर मेरा स्टूडियो बनेगा। ऐसे कोई ग्रीन स्क्रीन मैं ऐड नहीं करने वाला है, ऐसे नॉर्मल कोई कलर होगा, क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ पर कोई मूवी आपको दिखाता नहीं, या स्पेशल इफेक्ट करके आपको दिखाता नहीं, कॉमेडी भी नहीं है, गाना भी नहीं गाता आपके सामने गिटार लेके। टेक्नोलॉजी या फिर हैकिंग के बारे में कुछ वीडियो पोस्ट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता इनके लिए कुछ अच्छा बैकग्राउंड, हाँ चाहिए होगा, बैकग्राउंड भी मैटर करता है, लेकिन मेरे लिए इतना अच्छा, मतलब क्या बोलो, बैकग्राउंड उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। फिर भी आप लोग तो देखते हैं, आपको तो सिर्फ जानना है, नॉलेज सीखना है। और क्या दोस्तों, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो ऐसे पूछते रहिए, और क्या ऐसे ही देखते रहिए रूल ब्रेकर। जय हिंद।